हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप T800 Ultra 2 स्मार्ट वॉच को कैसे फोन से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, ये मेरे पास T800 Ultra 2 स्मार्ट वॉच है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है इसके ऑफिशियल ऐप के लिए, जो आपको बॉक्स पर ही लिखा हुआ मिलता है, जिसका नाम है हाई वॉच प्रो ऐप। तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा हाई वॉच प्रो ऐप के लिए। तो आप देख सकते हो कि ऐप का आइकॉन आपको कुछ ऐसा दिखने मिलेगा, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। तो मैंने ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइज, मैं आपको सब बता दूंगा कि आपको ऐप को ऑपरेट कैसे करना है। जैसे ही आप हाई वॉच प्रो ऐप को ओपन करोगे, उसके पहले आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है, ताकि आप वॉच से कनेक्ट कर पाओ। तो हाई वॉच प्रो ऐप को आपको ओपन करना है। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एग्री कर लेना है। फिर आपको हाई वॉच प्रो ऐप का लोगो देखने मिलता है। लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है। सेट पे जाना है, ब्लेंड डिवाइस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और नियर बाई डिवाइस को आपको अलाउ करना है। तो अभी यहाँ वॉच फाइंड होगी, तो आपको यहाँ सर्च में वॉच का नाम लिख के आएगा। तो यहाँ T800 Ultra वॉच लिख के आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है। चारों ऑप्शन जैसे ही कनेक्ट होते हैं, वॉच कनेक्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कनेक्ट हो चुका है, सेकंड ऑप्शन में वॉच में टाइम सेट हो जाता है। आप देख सकते हो कि अभी वॉच में टाइम सेट होगा, तो वॉच में टाइम सेट हो चुका है और वॉच अब आप देखोगे तो पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। सबसे पहले आप वॉच को फाइंड कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि वॉच कनेक्ट हुई है या नहीं। तो वॉच फाइंड हो चुकी है। तो गाइज, आपको होम पेज पे यहाँ पूरे स्टेप काउंट देखने मिलता है T800 Ultra 2 में। फिर इसका जो मेन ऑप्शन है, जो कि पिंच गार्ड का ऑप्शन, मैं आपको वो भी बताऊँगा आपको कैसे ऑन करना है। फिर आप यहाँ से हार्ट रेट भी मेजर कर सकते हो वॉच में, बिना वॉच को टच किए। फिर यहाँ से आप स्लीपिंग भी ट्रैक कर सकते हो। और सेट पे आपको यहाँ सबसे पहला फीचर मिलता है वेकअप जेस्चर का, जिसमें जब आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑफ होता है, जैसे कि मैं इसका डिस्प्ले ऑफ कर देता हूँ और मैं वॉच को बस ऊपर लूँगा, तो वॉच का डिस्प्ले बिना बटन हाथ दबाए ऑन हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि डिस्प्ले ऑन हो चुका है बिना बटन प्रेस किए। तो वेकअप जेस्चर काफ़ी अच्छा फीचर है। अलार्म का आपको इसमें ऑप्शन है, अलार्म ऐड कर सकते हो आप। यहाँ से अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ आपको सेटिंग रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है, आप सेटिंग रिमाइंडर भी ऑन कर सकते हो वॉच में। फिर आपको यहाँ रिमोट शटर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता हूँ, मेरे को बस वॉच पे क्लिक करना है और यहाँ फ़ोटो फ़ोन में क्लिक हो जाती है और यहाँ गैलरी में सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है मैसेज पुश का। तो गाइज, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबके मैसेजेस यहाँ गेट कर सकते हो इस फीचर से। फिर आपको यहाँ कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं वेकअप, तो यहाँ आपको कॉन्टैक्ट में ऐड करना है, आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो गाइज, जब आप वॉच को वेयर करोगे ना, तो आप बस आपको वॉच को ऐसे क्लिक करना है, तो कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाती है वेकअप जेस्चर के थ्रू। तो ये फीचर इसमें इनबिल्ट है और ये ऑन हो जाता है, बस आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना है। और जब भी आपको फिर दूसरा कोई, जिसका आपने कॉन्टैक्ट ऐड किया है, वो कॉल लगाएगा, तो आपको नाम भी शो हो जाता है। और यहाँ आपको डायल सेटिंग्स में आप फोटो लगा सकते हो, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन होना चाहिए। तो यहाँ वॉच फेसेस लोड हो चुके हैं, आप देखोगे तो अब आप यहाँ से कोई भी टाइप का वॉच फेस लगा सकते हो, पॉइंट डायल, हॉलीडे डायल, कार्टून डायल। तो मैं कार्टून डायल में जाऊँगा और आपको एक लाइव वॉच फेस सेट करके दिखा देता हूँ कार्टून डायल से। तो मैं आपको ये वाला वॉच फेस सेट करके दिखाता हूँ। तो आपको बस वॉच फेस पे क्लिक करना है, वो लोड होने के लिए कुछ सेकंड्स लगता है, अभी डाउनलोड हो रहा है फ़ोन में। फिर आप जैसे ही गॉट इट पे क्लिक करोगे, तो ये अपलोड होना स्टार्ट होगा। जब भी वॉच फेस अपलोड होता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वॉच को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ना ही फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना है, इससे आपकी वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें वॉच फेस सेट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कस्टम वॉच फेस, मतलब अपनी खुद की फ़ोटो कैसे लगाओगे। तो आपको नीचे स्वैप करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कस्टम डायल, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको सारे वॉच फेसेस देखने मिलते हैं, जो कि ऑनलाइन लोड होते हैं। तो आपको कोई भी एक रैंडम फ़ोटो पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो पर क्लिक कर लेता हूँ रैंडम फ़ोटो पर। फिर आप देखोगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन आएगा ऊपर, जिसका नाम है सिलेक्ट इमेज। जैसे आप सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करते हो, गैलरी ओपन हो जाती है
तो गैलरी में से मैंने ये वाली फोटो ली है, मैं इसको डन पे क्लिक करूंगा। फिर आप इसको बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट में सेट कर सकते हो आपकी फ़ोटो के अकॉर्डिंग, आपको क्लॉक कहाँ चाहिए। फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर आप जैसे ही गॉट इट पे क्लिक करते हो वापस से फ़ोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप जैसे ही गॉट इट पे क्लिक करोगे फ़ोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कस्टम वॉच फेस सेट हो चुका है। ऐसे ही आप अपनी खुद की फ़ोटो डाल सकते हो T800 अल्ट्रा 2 में। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो अपनी वॉच को, रीसेट डिवाइस से आप वॉच को रीसेट कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वॉच के थ्रू ही करना, क्योंकि अगर आप फ़ोन के थ्रू करते हो तो कितने बार वॉच का सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो जाता है। मेरी एक T900 का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था जब मैंने फ़ोन के थ्रू किया था। रिमूव करोगे तो भी रीसेट हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। अदर सेटिंग्स में आप वाइब्रेशन ऑन या ऑफ कर सकते हो वॉच की, अगर आप ऑफ कर दोगे तो वॉच वाइब्रेट नहीं होगी। फिर यहाँ आपको OTA अपग्रेड में वॉच का सॉफ्टवेयर का अपडेट मिलता है, जो कि कभी भी आता नहीं है, वॉच को कभी भी अपडेट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ आपको जो बैकग्राउंड सेटिंग्स है उसमें ऐप की सेटिंग्स मिलेगी, प्राइवेसी सेटिंग्स में भी आपको ऐप की सेटिंग्स मिलेगी। मोशन में अगर आप जाओगे तो मोशन में आपकी सिटी का मैप खुलता है और ये शो करता है कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक वर्कआउट करते हो। माइंड में आपको आपके हाईवॉच प्रो ऐप की प्रोफाइल मिलेगी। तो गाइज ये थे पूरे फीचर हाईवॉच प्रो ऐप के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।